दोस्तों, मैं डॉक्टर AK आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक नई दवा के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर मन में कोई विचार है तो कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रोबीट जेट ड्राई सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये ड्राई सिरप किन किन समस्याओं को ठीक करता है, इसका सही डोज क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, कितने प्राइस का आता है, किस कंपनी द्वारा इसे मार्केट में बेचा जाता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। प्रोबीट जेट सिरप कुछ इस तरह के कागज़ के कॉटन बॉक्स में आता है, जिसमें आपको 12 ग्राम पाउडर देखने को मिलता है और 60 ml ये दवा बनकर तैयार होती है। इसके कंपनी पर नज़र डालें तो इसे जो है वेंस रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसे मार्केट में बेचा जाता है, और 60 ml सिरप की प्राइस की बात करें तो ये लगभग 90 रुपये का पड़ता है। और इसके कंपोजिशन पर नज़र डालें तो इसमें आपको ढेर सारे साल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको एनर्जी वैल्यू जो है 0.32 कैलोरी देखने को मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट इसमें 0.08 ग्राम देखने को मिलता है। डाइट्री फाइबर इसमें नील है, प्रोटीन भी नील है, फैट भी नील है, और साथ में इसमें आपको और भी साल्ट देखने को जिंक ग्लूकोनेट इसमें देखने को मिल जाता है। और ये दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक एक सिरप है। ये दोस्तों खास तौर से उन बच्चों के लिए आता है जो बच्चे दस्त बिल्कुल पानी की तरह करते हैं, दिन में 8 बार 10 बार, और कोई एंटी डायरियल ड्रग देने के बाद भी बच्चे का दस्त ठीक नहीं होता। तो उन कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एंटी डायरियल ड्रग के साथ इस प्रोबीट जेट ड्राई सिरप को साथ में प्रिस्क्राइब करता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका मेन कंपोजिशन है जिंक ग्लूकोनेट विथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक साल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सिरप जो है दस्त के साथ साथ और भी समस्याओं को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को कोई हैवी एंटीबायोटिक चल रहा है जिसकी वजह से उसका बार बार पेट खराब हो जा रहा है, तो उन कंडीशन में भी इस ड्राई सिरप को दिया जाता है। साथ ही अगर कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाता है और उसके वजह से भी पेट डाइजेशन प्रक्रिया उसका ख़राब हो जाता है, तो उन कंडीशन में भी इस ड्राई सिरप को दिया जाता है। वैसे तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है आंतों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को पतली दस्त होता है बिल्कुल पानी की तरह, ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकलने की वजह से उनके बॉडी में जिंक की कमी देखने को मिलती है, तो इसलिए कंपनी द्वारा इसमें जिंक भी डाला गया है जो कि जिंक की कमी को होने नहीं देता। साथ में इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक दो साल्ट मिले हुए हैं, ये आंतों को मजबूत करता है और साथ ही बच्चों को दस्त जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। प्रोबीट जेट सिरप दोस्तों, ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसकी डोज की बात करें तो इसे का जो डोज है, इसे हम नवजात बच्चों से लेकर 4 या 5 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। नवजात बच्चों से लेकर 2-5 महीने के बच्चों में इसे 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। यहीं बच्चा अगर 5 महीने से ऊपर है और 10 से 12 महीने का है तो उसे 3.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। यहीं बच्चा 12 महीने से ऊपर और 3 या 4 साल के करीब का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इसके अंदर आपको ड्राई पाउडर मिलता है, यानी कि प्लास्टिक के बॉटल में ड्राई पाउडर होता है। आपको कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद उसे नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा कर लें, और उसके बाद जो है इस बॉटल में पानी को मिला दें और बॉटल को अच्छी तरह से हिला दें ताकि पानी और पाउडर अच्छी तरह से मिल जाए।